आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र। संधारित्र एक ऐसी युक्ति जो किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ा देता है। तो नॉर्मली हम ये जानते हैं कि किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो हम आज ये देखेंगे कि संधारित्र किस प्रकार किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ा देता है, जिसे संधारित्र का सिद्धांत कहा जाता है। तो जैसे एक आवेशित प्लेट है, ए कैपिटल ए एक आवेशित प्लेट है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। प्लस क्यू आवेश दिया गया है। जैसे ही इस आवेशित प्लेट के समीप कोई अन्य अनावेशित समतल प्लेट बी लाया जाता है तो प्रेरण के कारण इसके समीपवर्ती तल पर विपरीत आवेश अर्थात ऋणावेश प्रेरित हो जाता है, जबकि दूरवर्ती तल पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। अगर हम देखें तो संधारित्र के लिए की धारिता का सूत्र होता है C=Q/V। के अनुसार यदि विभव परिवर्तित होता है तो धारिता भी परिवर्तित हो सकती है। अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो जो समीपवर्ती तल पर प्रेरित ऋण आवेश है कहीं ना कहीं चालक ए पर आवेश की मात्रा को कम कर देता है, जिससे विभव का मान कम हो जाता है। और विभव का मान कम होने पर सूत्र C=Q/V के अनुसार विभव का मान कम होने पर धारिता बढ़ सकती है। शक्ति वर्ड यूज़ किया जा रहा है, संभावना यूज़ किया जा रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि बी के दूरवर्ती तल पर ये जो धनावेश प्रेरित हुआ है वो धनावेश जितना ऋणावेश उत्पन्न होता है उतना ही मात्रा में धनावेश उत्पन्न हो जाता है, जो धनावेश की मात्रा में कमी होने नहीं देता। आवेश की मात्रा में कमी न होने के कारण विभव का मान अपरिवर्तित होता है, जिससे धारिता अपरिवर्तित होती है। अब यदि ऐसा कुछ किया जाए कि दूरवर्ती तल पर जो धनावेश है उसको किसी भी तरीके से हटा सके तो निश्चित तौर पे एक रास्ता हमें दिखाई दे रहा है कि जो ऋणावेश है वो निश्चित तौर पे विभव का मान कम कर देगा, जिससे धारिता बढ़ जाएगी। तो अब इसमें किया क्या जाता है कि जो प्लेट है आवेशित प्लेट ए था जिस पर प्लस क्यू आवेश ऑलरेडी स्थित था, ये दिखाया जा रहा है प्लस क्यू आवेश स्थित है, तो ये दूरवर्ती तल पर प्रेरित जो चालक बी है समीपवर्ती तल पर ऋणावेश प्रेरित हुआ है। यदि दूरवर्ती तल पर प्रेरित धनावेश को पृथ्वीकृत कर दिया जाए, पृथ्वीकृत कर दिया जाए मतलब पृथ्वी से संपर्कित कर दें, तो कहीं ना कहीं दूरवर्ती तल पर प्रेरित जो धनावेश है वो पृथ्वी में चला जाता है। और पृथ्वी में चले जाने के कारण केवल समीपवर्ती तल पर प्रेरित ऋणावेश बचा रहता है और ये ऋणावेश धनावेश के मात्रा को कम कर देता है, जिससे विभव का मान कम हो जाता है। अतः सूत्र C=Q/V, विभव का मान कम होने से चालक की धारिता जो है बढ़ जाती है। इस प्रकार हम चालक के आकार या आयतन में बिना कोई परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। यही आवेश धारिता का संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है।